हेलो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन किसी कारणवश जो पिछला लेक्चर था वो पूरा कंप्लीट ना हो पाया, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व मैंने लिख के रखा था, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस ही हैं, और जिसको हमको क्या करना है, फाइंड डीआरडीएस करना है। तो गिवन फंक्शंस लिख दीजिए, पहले एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। डिफरेंशिएट करें इसको, सेकंड मेथड से करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीट वाई एज कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स इनटू वाई ये भी वाला कांसेप्ट है, तो एक्स को रख लेते हैं, ठीक है। cos y का डिफरेंशिएशन पहले हो जाएगा माइनस साइन y, क्योंकि हमको x अल्टीमेटली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसलिए dy / dx लिखना जरूरी है। प्लस x को रहने दिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y / dy / dx। प्लस अभी हम cos y को रहने देते हैं, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, क्लियर। प्लस अब देखिए आप, फिर यहां इक्वल टू b है ना, फिर यहां इक्वल टू b है, फिर इसको करेंगे तो y को रहने देते हैं और cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है। ये हो गया क्या, y को रहने दिए, cos का डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस अभी हम cos को रहने देते हैं और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy / dx इज इक्वल टू, देख सकते हो यहां पे, अब tan x plus y का है, तो tan x plus y का डिफरेंशिएशन पहले x plus y के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, sec square x plus y, और फिर x का 1 और y का dy / dx, क्लियर। चलिए अब आपको dy / dx का बहुत जगह दिखाई पड़ रहा है, एक यहां dy / dx दिखाई पड़ रहा है, एक यहां dy / dx दिखाई पड़ रहा है, और एक dy / dx यहां दिखाई पड़ रहा है। जितना भी dy / dx वाला टर्म है सबको उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड, और विदाउट dy / dx वाला टर्म है उसको हम लोग राइट हैंड साइड लिखेंगे। उसको हम लोग लिख सकते हैं dy / dx यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स साइन वाई, क्लियर। यहाँ देखिए ये हो जाएगा कॉस एक्स, तो प्लस यहाँ हो गया कॉस एक्स, और एक टर्म यहाँ हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, क्लियर। ये हो गया, और जो बिना डी और डी वाला टर्म है वो देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए एक एक को यहाँ भी एक एक तो राइट साइड ऑलरेडी है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, देखिए एक यहाँ देखो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस y sin x, और एक ये टर्म cos y हो जाएगा माइनस cos, क्लियर। अब आप क्या कर सकते हो, अल्टीमेटली जो आपका फाइनल आंसर है वो dy / dx से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस y प्लस y sin x माइनस cos y अपॉन, यहाँ देख सकते हैं माइनस x sin y प्लस cos x माइनस sec स्क्वायर x प्लस y, एंड दिस इज द फाइनल आंसर यू कैन सी। और कुछ नहीं किया हम लोग, जो भी मेरा पहला जो मेथड है ना मैंने उसको यूज किया है, क्लियर। ठीक है, आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। और हमने क्या किया, सेकंड वाला जो मेथड है उसको फॉलो किया। सेकंड मेथड का था क्या है कि आप सीधे डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन वाई को एक्स का फंक्शन मानना है, मान के आप बना लीजिए, आपका क्वेश्चन इजी में बन जाएगा। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास जिसको हम लोग डील करने जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं यहाँ आपको राइट हैंड साइड में लिखता हूँ, ये सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। सवाल है इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1, इसका कह रहा प्रूफ दैट, प्रूफ करें, क्या प्रूफ करें, तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई टू पावर 4, ठीक है, प्लस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है आप। ठीक है, तो आप देख दूसरा सवाल देखिए, ये मैंने लिख रखा है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन सबसे पहले ये लिखिए एक्स वाई इक्वल टू 1, इसको एक नंबर, यहां
यहां से y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/x, ये दो नंबर मान लो, इसको डिफरेंशिएट कर दिए dy/dx -1/x2, इसको तीन नंबर मान लो। ये क्वेश्चन बनाने का तरीका है, इसको हम बना लेते हैं। अब जो आपका सवाल है 1+y^4, इसको आप k की इसको हम ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1+y के लिए लिख सकते हैं 1/x, तो जगह 1/x^4 इसके लिए हम लिख सकते हैं x^4+1^2 / x^2, क्लियर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x^4+1^√(1)2, ये हो जाएगा 1/x^2। अब 1/x^2 जो मान लिया है dx है यहां निकाल चुके हैं, ठीक है, दिस इज इक्वल टू x^4+1^√(1)2, इसके जगह हो जाएगा -dy/dx। एक काम करो, इस टर्म को उधर कर दो और x वाले टर्म को उधर कर दो, तो इसको लिख सकते हैं dx/x^4+1^√(1)2 और ये हो जाएगा -dy/1+y^4+1। एक काम कीजिए, इसको उधर कर लेते हैं, 20 बैटरी हो जाएगा dy/1+y^4+dx/1+x^4√(0) एंड I ऑफ दिस द फाइनल। तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक अलग तरीका है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को लिया, ठीक है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा हटके होते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का होता है, इसको बनाने का प्रोसेस और स्ट्रेटजी जो भी कही है वो भी डिफरेंट होता है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन और भी दिखा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, उससे रिलेटेड आप 3-4 सवाल और भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर देखिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। हेलो दोस्तों, एक सवाल आप देख रहे होंगे, ये सवाल किसी ने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ था, AIIEEE का एग्जाम था, IIT पर ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये सवाल दिया हुआ है, इफ sin y = x sin y + a, ठीक है, एंड प्रूव दैट dy/dx = this। आप देख सकते हैं यहाँ पे dy/dx = sin² a + y। आपको याद होगा कि u by v में डिफ्रेंसिएशन में u by v वाला फॉर्मूला में b स्क्वायर होता है और b जो है आपका डिनोमिनेटर में होता है, तो यहाँ पे लिखे sin² a + y है, इसका मतलब समझ में आ गया कि sin a / y वाला जो टर्म होगा वो b में हो, तभी जाके हम b स्क्वायर लिख सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रूफ करना है, तो लिखेंगे प्रूफ, उसके बाद जो गिवन डाटा है, डाटा देखिए, ये डाटा दिया हुआ है, ये हो जाएगा sin y = x sin y + a y + c। अब देखने में लगता है कि इसको हमको भी बनाना है, सो इसको इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो y का टर्म आएगा, ये हो जाएगा sin y और ये हो जाएगा तुम्हारा sin y + a = x। इसको थोड़ा सीधा कर देंगे, x बराबर हो जाएगा sin y और ये हो जाएगा sin y + a। अब देख सकते हैं कि ये जो है x y सेपरेट हो, हमको चाहिए dy/dx, लेकिन यहाँ x, एक काम करते हैं dx/dy, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि इधर y का फंक्शन है, तो यहाँ आ जाएगा आपका dx/dy, यहाँ पे u/v वाला कांसेप्ट लग जाएगा, हो जाएगा sin² y + a। आप देख सकते हैं, मतलब प्रूफ में आंसर आपके सामने रहता है और आंसर को देखकर आप माइंड लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस मेरा किस तरह से बनेगा। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में आंसर आपके सामने दिखा हुआ रहता है, दिख रहा होता है कि आंसर क्या है, उसको देख करके आपको माइंड सेट करना है, माइंड को सेट करना है कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रेटजी। चलिए, तो ये हो जाएगा b² + b, sin y + a और sin y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y, माइनस का साइन, अभी हम sin y को रख देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा मेरा cos y + a और y + a का डिफरेंशिएशन हम चेन रूल को लगा देते हैं, ऊपर में देख सकते हो sin a cos b - cos a sin b, मतलब sin a - b का फॉर्मूला है, ये हो जाएगा sin y + a - b डिवाइडेड बाय हो जाएगा sin² y + a, यहां से y y कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली हो गया आपका sin a और नीचे हो गया sin² y + a, लेकिन मेरा जो आंसर आया वो dx/dy है,
लेकिन हमको डी बाई डी एक्स ना, तो डीएल फोर डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए. दिस इज द कंप्लीट प्रूफ, यू कैन सी. तो इस तरह से इस तरह के सवाल को दी, ये बहुत अच्छा सवाल था. तो मेरे माइंड में आया कि चलो ये क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे मिलता है. इससे पहले वाला भी जो ये क्वेश्चन था वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन. इसके बाद ये क्वेश्चन और कर जाए तो बहुत स्टडा क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन और आप सेट कर सकते हैं. क्लियर, हम एक जनरल वे में प्रूव करेंगे और फिर उसी से रिलेटेड पार्टिकुलर क्वेश्चन आप ले कर सकते हैं. ठीक है, हैव ए लुक एंड फिर बात करते हैं. ठीक है, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, कैमरा मैंने इधर फेस कर दिया आपको. ये वाई प्लस ए दिख रहा था आपको, ये वाई प्लस ए है आपको दिख रहा होगा. क्लियर, चलिए हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये जनरलाइज क्वेश्चन है. इससे रिलेटेड बहुत सारे पार्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे बनेंगे. क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू द पावर 2 इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस वाई टू द पावर एन. देन वी हैव टू प्रूव दिस डी और डी एक्स इज इक्वल टू दिस. लेट्स सी, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जो डाटा दिया उसको मैंने लिख लिया. यहाँ एक वर्कआउट है जो आपको करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा. शायद बने भी तो बहुत टिपिकली बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, हो सकता है कि मिस्टेक्स भी हो. तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए क्या किया मैंने, थोड़ा सा एक मेथड यहाँ डिस्कस किया है. ठीक है, मेथड क्या है, यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन को हम लोग साइन थीटा मान लेते हैं और वाई टू दी पावर एन को मैंने साइन फाई मान लिया. तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आया, साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर एन, और यहाँ से फाइव का वैल्यू कितना आया, साइन इनवर्स वाई टू दी पावर एन. ये हम लोग कर लिया. अब हम दो नंबर को एक नंबर पे यूज करते हैं, यूजिंग टू इन वन वी गेट. जैसे ही दो नंबर को एक नंबर पे यूज करेंगे ये हो जाएगा वन माइनस एक्स टू दी पावर एन का कितना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा माइनस साइन, क्या लिख सकते हैं ये, तो ये टर्म जो है आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव और यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन. अब एक फॉर्मूला बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, तो समेशन टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू समेशन. तो यहाँ पे समेशन टू प्रोडक्ट का चेंज इसका फॉर्मूला हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव. क्या पढ़ेंगे नहीं फॉर्मूला, अगर दोनों कॉस में हो तो इस तरह से लिखते हैं इज इक्वल टू ए. यहाँ दोनों साइन में है लेकिन बीच में माइनस है तो पहले कॉस हो जाता है, जाता है कॉस थीटा माइनस फाइव. ठीक है, थीटा माइनस फाइव बाई टू इंटू साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू इज द फॉर्मूला यू कैन सी इन ट्रिग्नोमेट्री. सो जो पार्ट कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, टू यहां भी हो ये टू टू कैंसिल और ये माइनस वाला पार्ट हो जाता है, तो बाकी जो बचा रहा है उसको लिख सकते. कॉस कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट, हो जाएगा कॉट थीटा प्लस फाइव बाई टू इज इक्वल टू फाइव ऑफ कितना. ठीक है, देख सकते हो कॉट थीटा प्लस फाइव मिस्टेक है क्या यहाँ पे, कॉस पहले साइन बाद में, कॉस ए इंटू साइन बी. एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ स्लाइटली मिस्टेक था, मैंने फार्मूला गलत लिख दिया. ठीक है, मैंने फार्मूला सही कर दिया,
यहां से हो जाएगा आपका cos twice of cos theta plus phi by 2 into cos theta minus phi by 2, ठीक है। साइन है तो पहले cos हो जाता है, तो a 2 और यहां हो जाएगा हमारा cos theta plus phi by 2 into sin theta minus phi by 2, ये हो गया। अब आप देखोगे प्लस वाला कैसे होगा, ठीक है, उसमें माइनस वाला कैसे हो रहा था क्योंकि मैंने मिस्टेक्स कर दिया था। अब तो यहां पे आ जाएगा आपका cos थीटा माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू ए, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, हियर वी हैव ऑलरेडी स्लाइटली डन अ मिस्टेक, दैट्स व्हाई इट बिकम्स रॉन्ग। सो सबसे पहले मैंने इसको थोड़ा करेक्ट कर लिया, फॉर्मूला आपको सही मिल गया, ठीक है। यहां तक आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ cos inverse हो जाएगा, तो थीटा माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू cos inverse है, इसलिए थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू cos inverse। फाइव और थीटा और फाइव का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ दोनों में निकाल चुके हैं, इन दोनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x टू द पावर 2, और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाता है n into x to the power n minus 1, चलो फिर बीच में माइनस का साइन है, इसके जगह में कितना हो जाएगा 1 by 1 minus y to the power 2n, फिर y to the power n का कितना हो जाएगा, तो n into y to the power n minus 1 और into d by dx, clear, is equal to, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, प्लस की डिफरेंस इज़ जीरो। तो यहां से आप d by dx जब आप निकालोगे आपका हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपका हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन y टू दी पावर n माइनस 1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, तो ये टर्म ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस y टू दी पावर 2n अपॉन 1 माइनस x टू दी पावर 2n। आई होप कि इतना ही प्रूफ करना था, दिस इज समथिंग। एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद मेरा यही प्रूफ करना था, डी वाई डी एक्स इजिकल टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वाई टू द पावर एन माइनस वन इंटू वन माइनस वाई का टू पावर टू एन अपॉन वन माइनस एक्स टू द पावर टू एन, क्लियरली, ठीक है।